हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक लिपस्टिक का रिव्यू, और ये है बायोटीक की नेचुरल मेकअप मैजिक कलर लिपस्टिक। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि कैसी है ये लिपस्टिक या इसके बारे में सभी बातें, साथ ही साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है या मुझे ये लिपस्टिक कैसी लगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर दूं। सबसे पहली बात यह है कि इस प्रोडक्ट की जो डायरेक्ट लिंक है, मैंने उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से चेक जरूर कर लें। और दूसरी बात यह है कि आज के वीडियो में मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस और इसकी पैकेजिंग की। तो ये कुछ इस तरह की आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है, जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही है। प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स जो हैं, कुछ डिटेल्स पैकेजिंग पे मेंशन किए गए हैं, जैसे कि इसका प्राइस और इसकी एक्सपायरी डेट, और साथ ही साथ इसमें क्वांटिटी और शेड नंबर, सिर्फ इतना ही मेंशन किया गया है। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पैकेजिंग पे मेंशन नहीं की गई है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है 125 रुपीज़, जिसमें आपको 4.2 ग्राम की प्रोडक्ट क्वान्टिटी मिलती है। और अगर मैं इसके शेड की बात करूँ तो शेड रेंज काफ़ी अच्छी है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी शेड बाई कर सकती हैं। पैकेजिंग जो है इसके ऊपर आपको शेड जो है वो कलर कोऑर्डिनेटेड स्टिकर मिल जाता है, साथ ही साथ शेड नंबर और शेड नेम भी लिखा हुआ है, जिससे आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास 2-4 शेड हैं तो आप ऊपर से ही देख के पता कर सकती हैं कि अंदर कौन से कलर की लिपस्टिक है। तो ये तो हो गई इसकी आउटर पैकेजिंग। अब बात कर लेते हैं इसकी इनर पैकेजिंग। ये है इसकी इनर पैकेजिंग, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। प्लास्टिक है, बहुत चीप भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टडी भी नहीं है, बीच का कॉम्बिनेशन है, ठीक है जो भी है। अगर मैं इस पे बात करूँ तो इसके कैप पे, लिपस्टिक की कैप पे शेड नंबर और शेड नेम मेंशन किया गया है, तो ऊपर से देख के आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ इसी पे आपको मेंशन किया गया है कि बायोटीक लिपस्टिक नेचुरल मेकअप। अब मैं इसका स्वाच आपको दिखा देती हूँ। अभी मैंने अपने लिप्स पे यही लिपस्टिक वियर की हुई है। ये है इसका हैंड स्वाच। अब देख लेते हैं इसका लिप स्वाच, उसके बाद मैं इसकी आगे की डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। हमने इस लिपस्टिक का हैंड स्वाच और लिप स्वाच देख लिया, सारी डिटेल्स देख ली। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन की। क्योंकि ये लिपस्टिक क्रीमी मैट में है तो अप्लाई करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज भी नहीं किया है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपके लिप्स पे इजीली ग्लाइड हो जाएगा। और अगर मैं कलर पे ऑफ के बात करूँ, तो अगर आपको एग्जैक्ट शेड चाहिए तो कम से कम 2 कोट आपको अपने लिप्स पे अप्लाई करने होंगे, क्योंकि ये शेड जो है वो थोड़ा सा लाइट है, तो इसलिए आपको 2 कोट तो कम से कम अप्लाई करने होंगे। मैंने आपको अपना शेड नहीं बताया कि मेरा कौन सा शेड है, तो मेरा जो इसमें शेड है वो है क्रीमी कप N606। पिक्चर में यहां पे इंसर्ट कर दूंगी, फिलहाल क्रीमी कप आप नाम समझ के चलिए वही है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टेइंग पावर की। तो क्योंकि ये बुलेट लिपस्टिक है, दूसरा क्रीमी फिनिश में है, तो ट्रांसफर बहुत ज़्यादा होती है। और अगर मैं स्टेइंग पावर की बात करूँ, आपने कोई ऑयली फूड नहीं लिया तब तक आपके लिप्स पे ये रहेगी, लेकिन जैसे ही आपने कोई ऑयली फूड लिया तो ये आपके लिप्स से कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगी, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। और अगर आपको क्रीमी फिनिश से कोई प्रॉब्लम है तो टिश्यू पेपर से डैप कर सकती हैं, तो लिपस्टिक जो है वो हल्की सी मैट हो जाएगी। तो ये तो हो गई सारी। तो अब बात कर लेते हैं इस लिपस्टिक के बारे में कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट की। तो अगर मैं इसके प्लस पॉइंट की बात करूं, तो मैंने जो शेड बाय किया है क्रीमी कप, ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी ये शेड काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझ पे भी, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। अगर मैं अदर प्लस पॉइंट की बात करूँ तो प्राइस रेंज काफ़ी अफोर्डेबल है, तो आप चाहें तो ईजिली बाई कर सकती हैं। नेक्स्ट प्लस पॉइंट की बात करूँ तो पैकेजिंग देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। अब बात कर लेते हैं इसके माइनस पॉइंट की। तो सबसे पहला इसका माइनस पॉइंट है कि अगर आप अपने लिए बायोटीक की नेचुरल जो मेकअप है इसमें से कोई लिपस्टिक बाय करना चाहती हैं, तो जो ऐप पे या
शॉपिंग ऐप पे जो होते हैं, चाहे पर्पल हो, नायका हो, किसी से भी आप बाय करें, तो वहाँ के स्वच्छ जो होते हैं, जो लिप स्वच्छ वहाँ पे मेंशन होते हैं, उन पे ट्रस्ट मत करिएगा। हाँ, उन पे ट्रस्ट मत करिएगा। अगर आप चाहती हैं कि आपको सही शेड मिले, तो आप YouTube पे किसी का भी स्वच्छ देख सकती हैं जिनका स्किन कलर आपके स्किन कलर से मैचिंग हो, तभी इनमें कोई भी शेड जो है वो बाय करिएगा। क्योंकि जो शेड वहाँ पे मेंशन किए गए हैं, चाहे वेबसाइट पे हो या फिर ऐप पे हो, जो शेड हैं वो सेम नहीं हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। मैंने जो शेड बाय किया था काफ़ी डार्क था, बट जब मैंने रियल में इसे देखा तो ये बहुत लाइट है। अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इस लिपस्टिक को 2 कोट अपने लिप्स पे अप्लाई किया हुआ है, तो फिलहाल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये शेड अच्छा लगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। दूसरा जो इसका माइनस पॉइंट है वो है इसकी पैकेजिंग, देखने में अच्छी लग रही है, बस इतना ही इसकी क्वालिटी है। जब आपको लिपस्टिक को निकालना होगा ना, अब मैं आपको बता नहीं सकती, दिखा नहीं सकती कि कितने फोर्स के साथ आपको इस बुलेट को घुमाना होगा, तब जाके लिपस्टिक जो है वो बाहर आएगी। मतलब जब आप इसे टर्न करेंगे, घुमाएंगे ना, तो इसमें से आवाज निकलती है कि इतना टाइट है ये कि टर्न नहीं होता है, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। नेक्स्ट इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इसके स्मेल। जैसे नवरत्न वाला ठंडा तेल आता है, ठंडा ठंडा कूल कूल, कुछ वैसी ही इसकी स्मेल है। जब आप अपने लिप्स पे इसे अप्लाई करेंगी ना, तो वो स्मेल ऐसे एक झटके से मुंह के अंदर चली जाती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जो मैं पर्सनली फील किया मैंने फर्स्ट इम्प्रेशन में, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और आप में से बहुत सारे लोगों को स्मेल से प्रॉब्लम होगी, फिलहाल मुझे भी है। थोड़ी देर के बाद स्मेल फेड हो जाती है, लेकिन ये इसका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। जितनी बार आप बुलेट ओपन करेंगे, लिपस्टिक ओपन करेंगे, उतनी बार आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर मैं नेक्स्ट इसके माइनस पॉइंट की बात करूँ, तो नेक्स्ट माइनस पॉइंट ये है कि लिपस्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी है, बहुत ज़्यादा क्रीमी। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। वैसे इसका एक प्लस पॉइंट है, अगर आप सही डायरेक्शन में देखें तो आप इसे प्लस पॉइंट में भी ले सकती हैं, क्योंकि विंटर है, तो विंटर में आप कोई ऐसी लिपस्टिक अप्लाई कर सकती हैं जो कि आपके लिप्स पे काफ़ी कंफर्टेबल हो, तो उस नज़रिए से ये प्लस पॉइंट है। बाकी बहुत ज़्यादा क्रीमी है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होगी। अगर मैं फाइनल वर्ड की बात करूँ, अगर आप इसकी स्मेल को इग्नोर कर सकती हैं, पैकेजिंग को इग्नोर कर सकती हैं, शेड सही से चूज़ करिएगा, तब आप इस लिपस्टिक को बाय कर सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी नोज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आपको ऐसी स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली लिपस्टिक नहीं पसंद है, तो आप इस लिपस्टिक को बाय मत करिएगा। अगर मैं मेरी बात करूँ, तो मैं इसे वियर करूँगी, क्योंकि मेरा जो एक प्लस पॉइंट है ना, वो ये है कि अगर शेड मुझे पसंद आता है, मेरे फेस पे वो शेड अच्छा लगता है, तब तो मैं उस लिपस्टिक को रखती हूँ, वियर करती हूँ, अप्लाई करती हूँ। लेकिन अगर वो शेड मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा है या मुझे नहीं पसंद आ रहा है, तो लिपस्टिक चाहे 100 रुपए की हो या 1000 रुपए की हो, मैं उसे यूज नहीं करती हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो, होप मेरे ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वैसे इसे लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आप में से कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ऑलरेडी, जब मैंने हॉल शेयर किया था, तभी उन्होंने कहा था कि बायोजी के प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, बट मुझे रिव्यू आपके साथ शेयर करना था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।